शहीदों, आप बोलिए अमर रहो अमर रहो। शहीदों, 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 वंदे 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 वंदे। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के गवर्नर श्रीमान ओम प्रकाश कोहली जी, यहां के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी, केंद्र के मेरे साथी इसी धरती के संतान श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, श्रीमान फगन सिंह कुलस्ते, राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य श्रीमान गोपाल भार्गव जी, उपेंद्र सिंह जी, उमाशंकर जी, विश्वास जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान नंद कुमार जी, सांसद श्रीमान आलोक जी, मेयर आलोक शर्मा जी, विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे पूर्व सैनिक भाइयों बहनों, वीर सैनिकों के परिवारजनों और प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा सौभाग्य है इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर पर आप सबके बीच आकर के इस देश के वीर जवानों को नमन करने का मुझे अवसर मिला है, श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सौभाग्य मिला है। हमारे देश में जब सेना का हम स्मरण करते हैं तो उसका ज्यादातर चर्चा एक ही रूप की होती है, यूनिफॉर्म, हाथ में शस्त्र, आंखों में ज्वाला, जैसे हर पल दुश्मन की तलाश में हो। लेकिन कभी कभी ये भी सोचें कि भारत के सैन्य बल मानवता की भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। कहीं पर भी प्राकृतिक संकट आया हो, पिछले कुछ दिनों में हम सबकी स्मृति में है बद्रीनाथ केदारनाथ का प्राकृतिक संकट, और पूरा देश देश के जवानों को अपने अपने स्थान से नमन कर रहा था, जिस प्रकार से वो जद्दोजहद करके आपत्ति में फंसे हुए लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी खपा देते थे। दो वर्ष पूर्व जब श्रीनगर में बड़ा भयंकर बाढ़ आई, पहली बार श्रीनगर ने इतनी भयंकर बाढ़ देखी, ऐसी समस्या से जूझना
एक सरकार के लिए भी कठिन काम था। ऐसे समय देश ने देखा कि हमारे सेना के जवान श्रीनगर की इस वादियों में बाढ़ पीड़ितों के जीवन बचाने के लिए अपने आप को खपा रहे थे, और जब वो इन मुसीबत में फंसे लोगों की सेवा कर रहे थे, उनको बचाने में लगे थे, ये मेरे सेना का प्रशिक्षण देखिए, मेरी सेना के भीतर पड़ी हुई उस मानवता देखिए कि कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये तो वो लोग हैं जो कभी पत्थर मारते हैं, कभी हमारी आंखें फोड़ देते हैं, कभी हमारा सर फोड़ देते हैं, कभी पत्थरों का हमला इतना भयंकर होता है कि मौत का शरण हो जाता है। ये सब अनुभव करने के बाद भी जब मानवता ने ललकारा, यही मेरे फौज के जवान, कल क्या हुआ था, किसने क्या किया था, इसका रत्ती भर मन में न रखते हुए उसकी भी जिंदगी मेरे देशवासी की जिंदगी है, उसको बचाने के लिए वो जी जान से जुटे रहे। आज पूरे विश्व में दुनिया के जो रक्षा बल है, सुरक्षा बल है, हो सकता है कि दुनिया के कई देशों के पास सैन्य शक्ति हमसे सैकड़ों गुना ज्यादा होगी, लेकिन विश्व जब हमारे सुरक्षा बलों के भिन्न भिन्न पैरामीटर से मूल्यांकन करते हैं तो डिसिप्लिन, आचार, सामान्य नागरिकों के प्रति व्यवहार, इन सारे मानकों में भारत की सेना प्रथम पंक्ति में नजर आती है, पूरे विश्व में नजर आती है। पूरे विश्व में शांति के लिए एक पीस कीपिंग फोर्स बना हुआ है, जिसमें दुनिया भर के रक्षा बल के जवान बारी बारी से आते हैं, कोई 2 साल वहां सेवा देते हैं, कोई 3 साल देते हैं, जिस देश में उनको लगाया जाए वहां जाते हैं, उस देश की शांति के लिए वो अपना जीवन लगा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। विश्व का जो पीस कीपिंग फोर्स है, हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा कि विश्व के इस पीस कीपिंग फोर्स में इतने वर्षों में लगातार सबसे अधिक योगदान करने वाला कोई देश है तो उस देश का नाम हिंदुस्तान है। और ये इसलिए संभव होता है कि हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने सिर्फ शस्त्र के आधार पर नहीं, नैतिकता के अधिष्ठान पर, अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पर विश्व को जीतने में सफलता पाई है, तब जाकर के ये सिद्धि प्राप्त होती है। इन दिनों वेस्ट एशिया में लगातार बम धमाके की आवाज सुनाई दे रही है,
आतंकवाद ने भयंकर रूप ले लिया है। यमन में हिंदुस्तान के हजारों नागरिक फंसे थे, बम वर्षा हो रही थी, जीवन और मृत्यु के बीच भारत के नागरिक वहां मुसीबत से घिरे हुए थे। हमने सेना के जवानों को वहां भेजा, मदद के लिए हर व्यवस्था लेकर के भेजा, और ये सेना के जवानों का पराक्रम देखिए, 5,000 से ज्यादा वहां पर फंसे हमारे भाई बहनों को सलामत हिंदुस्तान वापस लेकर के। और सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के अनेक देशों के नागरिकों को भी, पाकिस्तान के नागरिकों को भी बचा करके ले आए। ये भारत की सेना, इसके इन रूपों को अभी भी हम समय समय पर तो कभी नजर पड़ जाती है, लेकिन सातत्य रूप से हम इस शक्ति को कभी कभी भूल जाते हैं और सिर्फ सीमा, गोलियां, बम, बंदूक, पिस्तौल, दुश्मन, उसी के इर्द गिर्द इस ताकत को तराजू पे तोलते रहते हैं। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, हिंदुस्तान का इतिहास तो इस बात का गवाह है, हजारों साल का हमारा इतिहास है, हमारे पूर्वजों ने कभी भी किसी की एक इंच जमीन के लिए झगड़ा नहीं किया है, युद्ध नहीं किया है, दुनिया के किसी देश को दबोचने के लिए, अपना बनाने के लिए आक्रमण नहीं किया है। लेकिन अगर मूल्यों के, आदर्शों के लिए जीवन मृत्यु का जंग खेलने की नौबत आई, हिंदुस्तान की सेना कभी पीछे नहीं रही। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत कम लोगों को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, ये लड़ाइयां न हमने की थी, न ही ये युद्ध हमारे लिए हुआ था, न ही इस युद्ध के नतीजे का हमें कोई लाभ होना था, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन दो विश्व युद्ध में इसी धरती के संतान, मेरे देश के वीर जवान, मेरे वीर सैनिक, 1.5 लाख जवानों ने बलिदान दिया था, 1.5 लाख। पूरा विश्व इस बात को भुला दे रहा है, दुर्भाग्य है कि कभी कभी हम भी भुला दे रहे हैं। डंके की चोट पर दुनिया के सामने हमारे पूर्वजों का मानवता के लिए किया हुआ ये त्याग और बलिदान बार बार दुनिया को स्मरण कराने की आवश्यकता। यहां गांधी ऐसे पैदा नहीं होते, यहां बुद्ध ऐसे पैदा नहीं होते हैं, एक महान परंपरा है जिसमें से वीर सैनिक भी मानवता के लिए मरते हैं तो गांधी भी मानवता के लिए जीते हैं, ये इस धरती की विशेषता रही। और उसी विशेषता को लेकर के आज दुनिया में हम हमारी सेना पर गर्व कर सकते हैं,
जल हो, थल हो, नभ हो, हमारे और भी सुरक्षा बल, बीएसएफ के जवान जिस प्रकार से सीमा पर डटे होते हैं, सीआरपीएफ के जवान, कोस्ट गार्ड के जवान, अनगिनत व्यवस्थाएं हैं जो इसलिए अपनी जवानी खपा देते हैं कि हम चैन की नींद सो सके। मेरे देश की सेना को हम चैन की नींद से सो जाएं, उसे सर्वाधिक खुशी मिलती है। हम चैन की नींद से सो जाएं, उसे संतोष होता है। हमारे सोने पर उसको शिकायत नहीं होती है, लेकिन जागने के वक्त भी अगर सो जाए तो सेना हमें कभी माफ नहीं करती है। और दुर्भाग्य ये है कि कभी कभी हम जागने के समय भी सोए पाते जाते हैं। संस्कृत में कहा है, राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। सतत जागते रहो, और सिर्फ सेना के जवान जागते रहे ये तो उनके साथ अन्याय होगा, हमें भी जागने के समय तो जागना ही चाहिए, उस समय सोने का हमें हक नहीं। अगर कोई ये भ्रम रखता है कि हाथ में कितना आधुनिक शस्त्र है, गोली कितनी दूर तक जा सकती है, इतने मात्र से सेना जीत जाती है, तो ये हमारा भ्रम है। सेना का सबसे बड़ा जो शस्त्र होता है वो उसका मनोबल होता है, उसके मन की ताकत होती है। और ये मनोबल, ये मन की ताकत शस्त्र से नहीं आती है, 125 करोड़ देशवासियों की एक साथ मिलकर के उनके पीछे खड़े रहने से आती है। हमारे देश में मैं बहुत पुरानी एक घटना मुझे स्मरण है, 62 के वॉर के बाद दिवाली के दिन थे तो लोग मिठाई के पैकेट फौज को भेजते रहते थे, कोई भी पता मिल जाए तो ठीक है, ना देश के आर्मी के जवान ऐसा करके के भेज देते थे, पहुंचते पहुंचते शायद वो खराब भी हो जाए लेकिन भक्ति भाव से पहुंचते थे। मैंने कभी सुना था कि बड़ौदा से एक बेटी ने किसी जवान को मिठाई भेजी, अपना पता भी उसमें डाल दिया साथ साथ, जिस जवान के पास वो मिठाई पहुंची साथ में वो पता भी पहुंचा। और बाद में मुझे पता चला कि जीवन भर उस फौजी ने उस बहन को अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यार दिया। ये सेना के रूप जो है इसे कभी कभी हम भली भांति समझ नहीं पाते। हमारी सेना, और मैंने कहा था सेना बोलती नहीं है, सेना पराक्रम करती है। और उस दिन रोज मेरे बाल नोच लिए जाते थे, मोदी सो रहा है, मोदी कुछ कर नहीं रहा।
लेकिन जैसे हमारी सेना बोलती नहीं, पराक्रम करती है, हमारे रक्षा मंत्री भी बोलते नहीं है। प्यारे देशवासियों, मैं मध्य प्रदेश सरकार को विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ये शौर्य स्मारक का निर्माण किया। युद्ध स्मारक तो होते हैं, शहीद स्मारक भी होते हैं, लेकिन शौर्य स्मारक, इसके अंदर ये सब कुछ समाहित होता है, उससे भी प्लस होता है। ये शौर्य स्मारक हम सब के लिए तीर्थ क्षेत्र है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये प्रेरणा का मंदिर है। हम देखे तो सही, अनुभव तो करें, हम जाने तो सही सेना है क्या, जिंदगी क्या है उनकी, ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है कि रग रग में हिंदुस्तान समाया हुआ है, क्या कारण है पूरे भारत मां को अपना परिवार बना लिया है और अपनों को अकेले छोड़कर चल दिए। ये छोटा त्याग नहीं है दोस्त, शब्दों में इसका वर्णन नहीं हो सकता। ये वीरों की गाथा है, हर पल हर कदम प्रेरणा की एक नई शक्ति इन वीरों से हमें प्राप्त होती। उनका जीवन, उनका कार्य हर हिंदुस्तानी के जीवन को देश के लिए जीने की, देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता रहता है। और हमारे देश के सभी गणमान्य कवि, उनकी कलम, कोई ऐसी कलम नहीं होगी कवियों की जिसने देश के वीर जवानों को, शहीदों को, वीरों को, योद्धाओं को, सैनिकों को स्मरण न किया हो, अंजलि न दी। हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता, और माखनलाल जी ने कहा था, मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ना वनमाली, उस पथ पर तोड़ना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। भाइयों बहनों, रामधारी सिंह दिनकर आज इस शौर्य स्मारक की उद्घाटन के समय उनकी एक कविता बहुत सटीक बैठती है। उन्होंने लिखा है, कलम कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, जला अस्थियां बारी बारी,
चिचकाई जिन में चिनगारी, जला अस्थियां बारी बारी, चिचकाई जिन में चिनगारियां, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिया बिना गर्दन का मोड़, लिए बिना गर्दन का मोड़, वो चढ़ गए पुण्य वेदी पर। ऐसे महापुरुषों का, वीर पुरुषों का हम जानते हैं। हमारे देश के जवान पिछले कई दशकों से हर सरकार से एक मांग कर रहे थे, वन रैंक वन पेंशन। अनेक लोग निवृत्त हो गए, मांग करते रहे, लेकिन फौजी थे, डिसिप्लिन थे, देश उनके लिए पहले था, खुद बाद में था, इसलिए यूनियन वालों की तरह उन्होंने कभी झगड़े किए नहीं, तौर तरीके से अपनी बात बता रहे थे। और हर सरकार बहुत ही बढ़िया बढ़िया शब्दों में वादे भी करती थी। कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसने वादे न किए हो। और कुछ लोग तो इतने बड़े होशियार थे कि 200-500 करोड़ रुपए बजट में डाल भी देते थे। ये सरकार आने के बाद हमने वादा किया था कि हम वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। और मैं आज मेरे वीर जवानों के सामने सर झुका करके इस वादा हमने पूरा कर दिया, आज मैं संतोष की अनुभूति कर रहा हूं। चार किस्त में उसकी भुगतान करने के लिए हमने तय किया है, क्योंकि इतना बड़ा आर्थिक बोझ है कि एक साल में भारत सरकार के लिए भी देना मुश्किल है, तो इसलिए उसको चार किस्त में बांटा है। अब तक 5,500 करोड़ रुपया वितरित हो चुके हैं, फौजी के घर उसके खाते में जमा हो चुके हैं। और लाभ कितना हुआ है, जो हवालदार जिसने 17 ईयर्स फौज में काम किया और निवृत्त हुआ, ओआरओपी के पहले उसको 4,090 रुपया मिलता था, 4,090। ओआरओपी के बाद उसको करीब करीब 7,600 रुपया मिलना शुरू हुआ, यानी करीब करीब 30% से भी ज्यादा इजाफा। भाइयों बहनों, अभी 7वां पे कमीशन आया, हर पे कमीशन में कोई न कोई एनोमली रहती है, हर एक बार रहती है, एक एनोमली कमेटी बैठती है, वो समस्या का समाधान के रास्ते खोजती है। भारत सरकार भी उस दिशा में है, 7th पे कमीशन के बाद हमारे सेना के जो मुखिया है उन्होंने भी हमें एक चिट्ठी दी है, उस पर हम काम कर रहे हैं और जरूर अच्छा परिणाम उससे भी आएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, 7th पे कमीशन ने कहा है कि 6th पे कमीशन से जो वेतन मिलता था 7th पे कमीशन में, उसको 2.57 गुना बढ़ाया जाए। भारत सरकार ये कर सकती थी क्योंकि 7th पे कमीशन ने कहा था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा 6th पे कमीशन को आधार मान करके अगर फौज के लोगों को देंगे, निवृत्त लोगों को पेंशन देंगे, तो उनको बहुत कम फायदा होगा। हमने कहा कि निर्णय हमने किया कि ओआरओपी मिलने के बाद जो उनका वेतन का बेज बना है
उसी के आधार पर सेवंथ पे कमीशन गिना जाएगा, उनको भले डबल फायदा हो जाए लेकिन मेरे देश के जवानों के लिए ये करना जरूरी है, हमने किया। मैंने एक बार, मेरा एक प्रगति कार्यक्रम चलता है जिसमें मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के सभी डिपार्टमेंट, सभी राज्यों के साथ एक साथ समस्याओं का समाधान करता हूं। मैंने पड़ताल की, निवृत्त फौजियों की कंप्लेन का क्या हाल है, और मैं हैरान था, ढेर सारी कंप्लेन पेंडिंग पड़ी थी। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और बहुत तेज गति से हमारे निवृत्त फौजियों की जो शिकायत है उसका समाधान करने के लिए, और बहुत बड़ी सफलता, तेज गति से सफलता प्राप्त हुई। एक और काम हमने किया है, हम जानते हैं कभी कभी सिविलियन सोसाइटी को ये ध्यान में नहीं आता है, सिविलियन सोसाइटी सोचती है कि भाई जवानी में तो जरा जो कुछ भी करना है कर लो, बाद में क्या कर पाएंगे, उसके दिमाग में जवानी का ख्याल अलग होता है। और 35-40 साल का होने के बाद सोचता है चलो यार बहुत कुछ कर लिया, अब देखो ठीक से आराम से जिंदगी गुजार लेंगे। फौज का उल्टा होता है, जिस जीवन उम्र को हम मौज की उम्र समझते हैं, कुछ कर गुजरने की उम्र होते हैं, उस समय मेरे देश का जवान अपनी जवानी सीमा पर खपा देता है। सुख वैभव ऐश आराम मौज सपने अरमान सब कुछ मां भारती को मिट्टी को समर्पित करके अपना जीवन गुजारता है। 15-17 साल की नौकरी के बाद जब घर आता है, 40-42-35 साल की उम्र होती है, हम लोग उस समय बहुत कर लिया अब आराम से जिएंगे सोचते हैं, वो आकर के सोचता है हम नई जिंदगी कैसे शुरू करूं, एक क्वेश्चन मार्क के साथ जिंदगी शुरू कर। आज हम हर वर्ष निवृत्तमान फौजियों को 50,000 लोगों को तत्काल रोजगार का प्रबंध करते हैं। अभी एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है भारत सरकार ने, फौज में से जो रिटायर्ड होना तय कर लेता है कि भाई मुझे अब नहीं रहना है, जाना है, एक उम्र के बाद उसको जाने दिया जाता है, तो आखिरी वर्ष सरकार की तरफ से उसको स्किल डेवलपमेंट के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। भारत सरकार का स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और हमारी सेना के तीनों अंग, उनके साथ एमओयू हुआ है, स्किल डेवलपमेंट करने के बाद उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब फौज के लोग फौज के अंदर ट्रेनिंग तो पाते ही हैं, वहां भी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट होते हैं, वहां भी टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं, वहां भी एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो लोग कहते हैं तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है क्या, तो काम नहीं मिलता है। पहली बार भारत सरकार ने फौज में निवृत्त होने वाले लोगों के पास जो स्किल है उसको स्पेशल ट्रेनिंग आखिरी वर्ष में देना, सर्टिफिकेट देना, और जिस प्रकार के जॉब मार्केट है वहां उसको एक रोजगार मिले, वरना उसकी जिंदगी आने के बाद भी कहीं न कहीं चौकीदार के तरह के नाते जाती थी, अब वो ट्रेनर के रूप में काम करेगा, स्किल डेवलपर के रूप में काम करेगा, देश की युवा पीढ़ी को स्किल देने का काम करेगा। ये एक बहुत बड़ा अहम फैसला इस सरकार ने किया है। शायद बहुत नागरिकों को कम पता होता है, सरकार में एक रक्षा मंत्री विवेकाधीन राशि रहती है, जो निवृत्त फौजी होते हैं उनके परिवारों में कोई तकलीफ हो, आवश्यकता हो, कुछ बच्चों की पढ़ाई का विषय हो, कुछ जरूरत हो, बेटी की शादी हो, इन सारे विषयों के लिए वो मदद करता है। पहले एवरेज ये लाभ 10,000 से 12,000 लोगों को साल में मिलता था, ये हमारे रक्षा मंत्री जी इतने प्रोएक्टिव हैं कि आज हर वर्ष 50,000 परिवारों को कोई न कोई मदद इस व्यवस्था से दी जाती है। पहले फौज से जो निवृत्त हुए उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देते थे, और वो भी
करीब करीब साल पूरा होने के बाद पहुंचती थी, अब उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है ताकि उसको पहले सत्र में ही ये फी मिल, स्कॉलरशिप मिल जाए ताकि उसके जो व्यवस्था है उसको चलती रहे। पहले स्कॉलरशिप 4000 रुपये मिलती थी, इस सरकार ने आकर के फौज के इन संतानों के लिए 4000 से बढ़ा करके इस राशि को 5500 कर दिया है ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। हवालदार तक के जो फौजी होते हैं, जो निवृत्त होते हैं, और सेना में 80-90% लोग यही होते हैं, बाकी तो 10% में सब आ जाते हैं, 80-90% यही लोग होते हैं। हवालदार तक के जो लोग रिटायर्ड होते हैं, अगर उनकी बेटी की शादी हो रही है तो पहले सरकार बेटी की शादी के लिए 16000 रुपये देती थी, हमारे रक्षा मंत्री जी की उदारता है, अब ये राशि 50000 रुपया कर दी गई। हमारे यहां फौज में जो डिसेबल लोग होते हैं, लड़ाई में चोट पहुंचती है, इंजरी होती है, फौज के लोगों को एक परेशानी रहती थी अस्पताल से सर्टिफिकेट लेना कि कितने परसेंटेज डिसेबल है, बहुत बड़ा संकट का काम रहता था और वो इसको बड़ी मुश्किल से पार करता था। कोई कहता था नहीं 20% है, कोई कहता था 25%, कोई कहता था 30%, कभी ज्यादा हुआ तो कोई 45, 50, 55, और उसके आधार पर उसको आर्थिक सहाय का मानदंड रहता है। इस उलझन से फौजियों को बड़ी तकलीफ होती थी। कुछ फौज के लोग मुझे मिले थे, ये बात मेरे ध्यान में लाए थे, अब हमने उसको एक ब्रॉड ब्रांडिंग की व्यवस्था बना दी है, जिसके कारण 50 से कम वाले, 75 और 50 के बीच वाला, और 75 से ऊपर वाले, तीन ही स्लैब में सब डाल दिया ताकि अब फौजी को इस संकट से गुजरना न पड़े और इस काम को वो आराम से कर सके। इतना ही नहीं, हमारे फौज के जवानों को निवृत्त होने के बाद भी मेडिकल हेल्प के लिए हमने करीब 472 नए अस्पताल एम्पैनल किए हैं, जिसमें फौजी को कैशलेस ट्रीटमेंट दी जाती है। हमारे मध्य प्रदेश में हमने 64 अस्पताल को फौजियों के लिए एम्पैनल किया है। तो एक के बाद एक ऐसे अनेक काम आज फौजियों के लिए, हमारे जवानों के लिए एक संवेदनशील सरकार, भारत की आन बान शान ये हमारे जवान, उनके लिए प्राथमिकता देते हुए हम देश के अंदर योजनाएं बनाते हैं। हमारी कोशिश है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर कैसे बने। शस्त्र हमारे देश में उत्पादन कैसे हो। हमारे देश के नौजवानों में भी एबिलिटी है, टैलेंट है, दम है। पिछले 2 साल से मैं लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि वो दिन जरूर आएगा जब हिंदुस्तान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के तो शस्त्रास्त्र यहां बनाएगा, लेकिन दुनिया को भी बेचने की ताकत वाला बन सकता है। ये ताकत इस देश में पड़ी है और हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार वीर शहीदों को प्रणाम करता हूं, मैं उन माताओं को प्रणाम करता हूं जिन माताओं ने ऐसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया है, मैं उन बहनों को प्रणाम करता हूं जिसने शायद अपना पति खोया होगा, जिसने शायद अपना भाई खोया होगा और उसके बाद भी
मां भारती की सेवा करने का प्रण लेकर के जीने वाले इन परिवारों को भी मैं आज नमन करता हूं। भाइयों बहनों, दुनिया में कई देशों में परंपरा है, अभी वो परंपरा हमारे देश में पनपी नहीं है, लेकिन वो पनप ऐसी है, हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया के किसी देश में, मान लीजिए आप एयरपोर्ट पर बैठे हैं, सैकड़ों मुसाफिर बैठे होते हैं एयरपोर्ट पे, और अगर फौज के दो चार जवान यूनिफॉर्म में वहां से निकलते हैं तो एयरपोर्ट पर बैठे हुए सारे नागरिक खड़े हो जाते हैं, तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं और वो अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, अपने जो जहाज में जाना है चले जाते हैं। रेलवे में कहीं दिखाई दिए तो वहां के देश के नागरिक उनको देखते ही खड़े होते हैं, तालियां बजाते हैं, उनका गौरव गान करते हैं। क्या हम हमारे देश में धीरे धीरे ये स्वभाव बना सकते हैं क्या? मेरे फौज के लोग जाते हो कहीं भी, हर समय युद्ध के समय उनको याद करें वो ठीक नहीं है, 2400 घंटे उनके प्रति हमारे मन में आदर रहना चाहिए, उनके प्रति भक्ति भाव रहना चाहिए। क्या आप लोग कभी भी इस प्रकार के फौजियों को आते जाते देखेंगे तो तालियों के गड़गड़ाहट से उनका सम्मान करेंगे? भूल तो नहीं जाएंगे। चीजें छोटी होती हैं लेकिन सामान्य जीवन पर और खास करके फौजी के जीवन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मुझे विश्वास है कि शौर्य स्मारक जैसी व्यवस्था के द्वारा हम हमारे देश के नागरिकों को भी प्रशिक्षित कर पाएंगे। ये सिर्फ जवानों का सम्मान है इतना ही नहीं, हमारी पीढ़ियों को संस्कारित करने का भी एक ओपन स्कूल है, ये ओपन यूनिवर्सिटी है। उस रूप में उसका उपयोग हो, मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, मध्य प्रदेश सरकार का अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, शहीदों, आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए, शहीदों, शहीदों, शहीदों। बहुत बहुत धन्यवाद।